नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय एनिमेशन में। तो आज मैं आपको इमेज के जरिए आइटम कंस्ट्रक्शन कैसे करते वो बताऊंगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से ड्राइंग के जरिए जो आइटम कंस्ट्रक्शन है जो आप कर सकते हैं, तो इस बार ही हम आइटम कंस्ट्रक्शन ही करेंगे लेकिन इस जरिए इमेज के जरिए करेंगे। तो सबसे पहले आपको जाना होगा न्यू कार्टून पर, तो यहाँ पर सॉरी आइटम कंस्ट्रक्शन पर क्लिक करना होगा। तो आइटम कंस्ट्रक्शन पर क्लिक कीजिए, तब आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शन होंगे। जो हमने लास्ट टाइम बनाया था ये कलर कार्टून जो अभी मेरे पास सेव है, ये जो हमने लास्ट टाइम बनाया हुआ था, और इस बार हम न्यू कार्टून के जरिए सॉरी न्यू आइटम के जरिए हम जो है बनाने वाले हैं इमेज के जरिए। ठीक है, तो किस तरीके की इमेज आपको तैयार कर लेनी है वो सारी डिटेल मैं उसके अंदर ही बता दूंगा आपको। तो सिंपली हम इस न्यू वाले पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, और मैंने यहाँ न्यू पे क्लिक कर दिया तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है लेआउट आएगा। अब हम मुझे क्लिक करना है न्यू बोन पर, मतलब मुझे नहीं आपको भी, जब आप बनाओगे तो यहाँ न्यू बोन पे सिंपली क्लिक कर देना है। न्यू बोन पे क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे जो ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे जो इस ये ऑप्शन दिख रहा है इसको आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जब इसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ इतने सारे जो ऑप्शन इसके अंदर खुल गए। तो हमें इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन यूज़ करना है वो है ये कैंची वाला ऑप्शन। तो इस कैंची वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। तो कैंची वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है बहुत सारे ऑप्शन, तो इन ऑप्शन में से मुझे सिंपली फ़ोटोज़ या जिसमें भी आप चाहते हैं जिस तरीके से आप ढूंढना उस तरीके से ढूंढ सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ फंक्शन यूज़ करने वाला हूँ, आप जो भी यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर। ये हो गया मेरा, इमेज आ गई। तो आपको इस तरीके की इमेज तैयार कर लेनी, जो भी आप करेक्टर यूज़ कर रहे हो उसको डिवाइड कर लेना अलग अलग पार्ट में, जैसे उसके एक बॉडी जो अपनी मेन बोन से कनेक्ट होगी या मेन बोन जिस पे इम्प्लीमेंट होगा वो, इसके बाद फेस को अलग करना है, उसकी आँखें आप चाहें तो उसमें रख सकते हैं चाहे तो अलग रख सकते हैं, इसके बाद बाल भी आप चाहे तो अलग रख सकते हैं मिला सकते हैं। मैं आपको आइटम बना के दिखा देता हूँ आप जो जिस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हाथ के अलग पार्ट, पाँव के अलग पार्ट और ये पैर उसके, ठीक है, पैर का पंजा और जो भी है सब मैंने अलग अलग कर लिया। अब मुझे हर हिस्सा अलग अलग चूज़ करना है इसमें। तो सबसे पहले मैं बॉडी को जो हिस्सा चूज़ करने वाला हूँ वो है अपना ये बॉडी का जो मेन हिस्सा होता है अपना, वो हिस्सा मैं अभी सेलेक्ट करने वाला हूँ। जैसे पीठ का हिस्सा जो बोलते हैं, मैं हिस्सा क्या बोलूँ, मैं कलर डिफरेंट कर लेता हूँ, इसके सारे कलर से मैच हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो है मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो सिंपली मैं इस हिस्से पे अपने इसको ड्रैग करके ले जाऊँगा और ये देख सकते हैं ये हिस्सा मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और ये थोड़ा बहुत कटे फटे ना, और ये मैंने क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने ये इस बटन पे क्लिक किया था तो ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको अरेंज कर लेना है, ये जो बॉडी का हिस्सा है इसको अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली दो फिंगर से आप इसे घुमा सकते हैं और एक फिंगर से आप इधर उधर हिला सकते हैं। तो मैं दो फिंगर के यूज़ से इसका साइज़ छोटा कर लिया मैंने इसका, और इसको मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है। आपको जो आपका गर्दन वाला हिस्सा है वो यहाँ रखना है और नीचे वाला हिस्सा आपको इस साइड रखना है, ठीक है। अगर आपको गलत लगता है तो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद आपको सिंपली इस बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जब आपको लगता है कि आपका जो है बॉडी सही है तो आप सिंपली यहाँ क्लिक कर दें। तो यह मेरा क्लिक हो चुका है और यहाँ पे जो है करेक्टर का ये बॉडी का एक पार्ट जो इम्प्लीमेंट हो चुका है। वापस से मैं यहाँ पे कोई चेंजेस करना है तो कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे राइट क्लिक जो है यहाँ पे मैं कर दूंगा। अगर आपको लगता है आपने गर्दन पे, जैसे मैंने यहाँ पे काट के इमेज को एक कलर कर दिया था गर्दन की कलर का, तो आप अगर नहीं किया है आपने तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप उसी पे, आप जैसे मैंने वो बताया था आप उसी को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आप पे यहाँ कलर पिकर का ऑप्शन भी आ जाता है। इस कलर पिकर से आप कलर पिक कर लीजिए और इसके बाद वहाँ ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पर थोड़ा हार्डली ड्रॉ होता है, आपको थोड़ा केयरफुली ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये सब मैंने पहले से किया हुआ था, आप किसी और ऐप फोटो एडिटर से आप ये सब कर सकते हैं। यहाँ मैंने इसको अटैच कर दिया है और
ये देखिए, तो अब मेरा ये यहाँ पे कैरेक्टर का एक हिस्सा तैयार होगा। अब मैं एक नई बोन बनाऊंगा, बाकी की प्रोसेस मैं आपको बार बार ड्रॉ करके नहीं बताऊंगा मैं क्या क्या क्लिक कर रहा हूँ। आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे। न्यू बोन पे क्लिक करा और इसके बाद वापस मैं कैंची पे गया लॉन्ग प्रेस के बाद इमेज सेलेक्ट करने के बाद। अब मैं कोई सा भी ऑप्शन जो है इनमें से ले सकता हूँ। मैं फेस ले सकता हूँ, लेग ले सकता हूँ, बॉडी ले सकता हूँ, हैंड ले सकता हूँ या पंजा ले सकता हूँ। वो कुछ भी जो है चूज़ कर सकता हूँ। अब जो है इतना दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें बॉडी के हम पहले मेन पार्ट छोड़ते हैं, इसके बाद चलो फेस को जोड़ लेते हैं, फिर भी इजी हो जाए हमारे लिए। या हम लाइन बाई लाइन चलते हैं। तो यहाँ मैंने फेस को उसका ऐड कर लिया, जिसकी आँखें मैंने रिमूव कर दी क्योंकि मैंने आँखों का अलग से बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं। ये छोटा किया मैंने और ये यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जहाँ इसकी गर्दन आएगी। जैसे यहाँ पे हमारी गर्दन थी लास्ट टाइम, हमने यहाँ गर्दन से शुरू किया, उसकी गर्दन के ऊपर ये रखा जाएगा और ये ऊपरी हिस्सा यहाँ आ जाएगा। इसको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, बाद में बोन्स को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे कि देख सकते थे। और अब मैं वापस यहाँ पे क्लिक करके इसको सेव करूँगा। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पिछले जो हिस्से थे उनके कुछ पार्ट्स जो है आ चुके हैं अगल बगल के पार्ट्स के, तो इनको हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इरेजर उपलब्ध है, सिंपली इस पर क्लिक करके ये मैंने इरेजर खोल ली और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाइट वाइट लाइन आ रही है, मतलब इतना जा चुका। और ये यहाँ पर भी, तो ये सिंपली हो चुका है। मैं राइट क्लिक पे क्लिक करके इसको सेव करूँगा और यहाँ पे जाके इसको अटैच करूँगा। तो आप देख सकते हैं या तो चेहरा बड़ा लग रहा है, ऊपर नीचे आपको जो भी लग रहा है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने चेहरा कर दिया है। अगर आपको चेहरा बड़े लगे या छोटा लगे तो आप उसको अंदर जाके एडजस्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको जल्दी जल्दी ये सब करना बता देता हूँ क्योंकि आपको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है मैं से आप करेक्टर कैसे बनाएंगे। ठीक है, अभी हाथ ऐड करना है तो उसके लिए हमें एक ब्लैक मतलब ब्लैंक बोन ले लेते हैं जिसमें कुछ ना हो। तो न्यू बोन पे क्रिएट करके सिंपली राइट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप ये ब्लैक बोन हो जाएगी, सॉरी ब्लैंक बोन हो जाएगी। इसके बाद अटैच करके आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक अटैच यहाँ पे किया, जैसे कि मैंने बिल्कुल अपन ने जो ड्राइंग बनाई थी उस वाले में किया था, सेम टू सेम वैसे ही किया इसमें भी। और ये अटैच कर दिया, तो यहाँ पे जो मेरे दोनों हाथ आ जाएंगे। और किसी पार्ट्स को ऊपर नीचे करना है तो आप उस डस्ट पार्ट को क्लिक करके ऊपर नीचे भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इन बोन्स को मुझे कर देना इनविजिबल ताकि ये क्लिक ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हाथ इधर उधर हिलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कैरेक्टर के पार्ट इधर उधर हिलें तो आप उसे जो है कर सकते हैं इजी। तो यहाँ पे मैंने पैर ऐड कर दिए और दूसरे पैर भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पैर की लोकेशन आ गई है। ठीक है, ये बाद में मैं उसके अनुसार अपन उसको एडजस्ट कर लेंगे। इसको अप्लाई कर दिया और इसे भी हमने इनविजिबल बना दिया। ठीक है, तो अब हमें हाथ ऐड करने हैं और पैर ऐड करने हैं। तो हम हाथ की सारी बोन्स जो हमने अपने अनुसार ली थी वो ऐड कर लेते हैं, सिंपली जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये खाद का हिस्सा हमने ऐड कर लिया है। जो हिस्सा हमारा शोल्डर के पास रहेगा वो हिस्सा ये है, इसको हमने इस साइड रखा है। और जो हिस्सा हमारा नीचे कोहनी के पास आएगा वो हिस्सा हमारा ये है, एल्बो के पास जो हिस्सा आएगा वो यहाँ पे। हमने दोनों हिस्सों को अलग रखा रखा है। छोटा जो छोटा गोला है वो एल्बो का है और ऊपर वाला शोल्डर के पास का है। तो हम उसे इस तरीके से अरेंज कर लेंगे और इसके बाद मैं क्लिक कर दूंगा राइट क्लिक, देन राइट क्लिक और अब मैं इसको अटैच कर दूंगा। तो ये गया, मैंने किया अटैच। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से आया, ये उल्टे हाथ का है, इसको हम डिलीट कर देते हैं तो दोनों हाथ का एक ही लगेगा। हमने एक ही बनाया, मैंने ये अटैच कर दिया, इसको डाउन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको डाउन किया तो ये इसके नीचे बालों के नीचे पहुँच चुका है, लेकिन अभी इसके ऊपर भी है। तो हम पहले इसको जूम करके अरेंज कर लेते हैं। थोड़ा बहुत आपको लगे 19-20 इधर है तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप हाथ को
पीछे भी रख सकते हैं ऐसी। इसके बाद इस पॉइंट से मैं 7 को अटैच कर दूंगा क्योंकि ये बैक में रहेगा, तो इतनी हमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको गया मैंने डाउन 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 डाउन, सबसे डाउन हमने इसे कर दिया। तो ये इसके डाउन में है तो इतनी दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद वापस इसको थेपड़े को उसको सीधा कर दो, हाथ को थोड़ा इस तरीके से कर दो तो ये यहाँ पे लगे कि इसका हाथ सही जगह पे है। ठीक है, तो ये हमारा ये हाथ के जो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आई डोंट नो, बट हमने बना लिए हैं। इसके बाद हम इसके आगे के हाथ, जो हमारा एल्बो की तरफ कनेक्ट होगा उस हिस्से को हमने इस साइड, और नीचे वाला हिस्सा जो हमारा फ्री रहेगा वो हमने इस साइड कर रखा है। आप चाहे तो हाथ के पंजों को अलग रख सकते हैं या इसी में रख सकते हैं, जैसा आप कैरेक्टर को जितना आप कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं बनाएं, ताकि उसमें और ज़्यादा फंक्शन हो, या फिर इजी टू यूज़ बनाए ताकि आप जल्दी एनिमेशन बना सकें। जैसा अभी आप चाहें आप वैसा बना सकते हैं। ये हमारा हाथ रहा, ये वाला हाथ है, हमने इसको अटैच कर दिया, तो ये सिंपली इस तरीके से हमारा आ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से, जो कैरेक्टर हमारा तैयार होता दिख रहा है इसी तरीके से सारे ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा हाथ भी इसका ऐड कर लेता हूँ। इसका दूसरा हाथ भी ऐड कर लिया, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लिप होना चाहिए था, लेकिन अभी ठीक है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो छोटी छोटी गलतियाँ मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने बस एक जल्दी से एक कैरेक्टर बना लिया और आपको जो मैंने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसके बाद हमारी इस हिस्से की बारी आती है, ये दोनों इस एक हिस्से से हमें दो जगह काम चलाना हो, क्योंकि मैंने छोटी मोटी चीज़ें के लिए कर दिया था। तो यहाँ पे फिर से मैंने वही हिस्सा किया है जो हमारा मेन बोन्स की तरफ, जो ऊपर की तरफ हिस्सा रखा है उसे मैंने यहाँ पर, और जो नीचे हमारा घुटनों पे जाएगा वो हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा हमारा। और इसे राइट क्लिक करके सिंपली मैं सेव कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। ये बड़ा छोटा जो भी रहेगा उसके बारे में हमें भी देखना पड़ेगा। ये अटैच कर दिया है, इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है, और इसको डाउन करना पड़ेगा, कपड़ों के नीचे रखना पड़ेगा। इसके बाद दूसरे को भी अटैच करो और इसे भी डाउन करो। तो ये सिंपली डाउन हो गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से अटैच हो गया। अब हम घुटने के नीचे वाला हिस्सा ऐड करेंगे, यहाँ पे अब ये वाला हिस्सा ऐड करने हैं। और इसको वापस जो घुटने की तरफ हिस्सा रहेगा हम उसे हमने इस साइड, और जो नीचे पंजे पे हिस्सा आएगा हमने इस साइड रखा है। और इसके बाद सिंपली इस पर राइट क्लिक सेव देन अटैच। तो ये हमारा थोड़ा छोटा सा है, इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये एडिट पे गए, इस वाले बटन पे क्लिक किया, थोड़ा सा जूम किया और ये बड़ा हो गया। इसके बाद दूसरे पे, दूसरे को भी अटैच कर लिया, थी हमारा कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अभी भी ये छोटा लग रहा है, हमें फिर से एडिट कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा और कर लेते हैं। तो इसको और बड़ा कर दिया मैंने, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा आ गया है।
थोड़ा पोजीशन का लग रहा था तो हमने पोजीशन भी इसकी ठीक कर लिए। अब इसके बाद सिंपली हमें जो करना है इसके जो है पंजे ऐड करना है। तो पंजे को और हम ऐड कर ले तो हमारा जो कैरेक्टर है ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगा, ऑलमोस्ट क्या पूरे रेडी हो जाएगा क्योंकि आखिर तो पंजे भी दोनों एक ही इस्तेमाल होंगे। तो ये रहे पंजे, अटैच ये मैंने इसे अटैच कर दिया है और इससे भी अटैच कर दिया है। तो ये हमारा कैरेक्टर कुछ रेडी हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ। आइटम प्रीव्यू में जाएंगे तो हम इसे मूव मूव करके देख सकते हैं, जो पॉइंट मूव नहीं होंगे वो मूव नहीं होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो कैरेक्टर है चलने लायक होगा और ये हमारा कैरेक्टर भांगड़ा भी कर सकता है वह बल्ले बल्ले। तो ये था इमेज के जरिए आइटम कंस्ट्रक्शन। अभी भी मेन पॉइंट जो रह गए हैं वो और बता देता हूँ मैं आपको इसके, जैसे कि ओके खुल गया सेम हाँ खुल गया। ठीक है, इसके पॉइंट ऐड करना, जैसे यहाँ पे मास्टर पॉइंट पे मतलब मेन पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये सेटिंग बटन पर क्लिक करेंगे, मैंने बताया नहीं कौन सी सेटिंग बटन। तो यहाँ पे हमारे पास ये सेटिंग बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट पॉइंट जो आता है वो सिलेक्ट करना है हमें। ठीक है, इसके बाद हाथ से कोई आइटम अटैच हो जाए उसके लिए हम इस पर वापस सेटिंग बटन पर क्लिक के मास्टर बटन क्लिक करेंगे, दूसरे हाथ के पे भी मास्टर बटन क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी अदर आइटम इस पर अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आइटम कंस्ट्रक्शन और हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। जो भी आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और बाकी मैं एनिमेशन की चीज़ें आपको बताते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब।